ओके गाइस, तो हियर इज पार्ट टू, क्योंकि हमें पता है कि 40 मिनट्स की वीडियो कोई देखने में इंटरेस्टेड होगा नहीं. सो ये सेकंड वीडियो है हमारी किसकी, क्यू एंड ने की जाट एंड जाटनी. ओके तो स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे चटपटे क्वेश्चन उसमें मैंने बताया, अब इसमें है. देखो आप क्वेश्चंस मत देखो यार, दिखाना मेरे को. मैं पूछती हूँ, ठीक है यार. हाँ, आपका सारा खर्चा कौन करता है, आप या जीजू? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव यू. खर्चा ही नहीं इनका, खर्चा ही क्या है, कपड़े वगैरह तो ब्रांड से आ जाते हैं, मेकअप वगैरह ब्रांड से आ जाते हैं, खाने का सामान बाहर से मैं ले आता हूँ, और क्या. ओके तो मैं बताती हूँ, देखो मैंने तब मैं अपने घर थी ना, तो मैंने अपने घर भी 3 या 4 साल ट्यूशन पढ़ाया. जैसे कि मैं अपनी रिचार्ज की और ये सब कुछ मैं अपना खुद ही करती थी ना, मम्मी कपड़े वपड़े की और किसी थोड़ी ज्यादा महंगी हो जाते थे खर्चे तो घर वाले, वरना मैं स्टार्टिंग से ना मेरे में ऐसा हो गया था तब मैं 21-22, क्योंकि मैं अपना खर्चा भाई खुद सी पता, अपने पैसे आप कहीं खर्च करो आपको, लेकिन मैं हर चीज के लिए पैसे नहीं मांग सकती, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो. मैं अभी को भी यही बोलती हूँ, आगे फेस्टिवल मुझे पैसे चाहिए, बट मैं कभी नहीं बोलती मुझे इतने चाहिए, क्योंकि यार हर चीज के लिए मांग नहीं सकती, मांग नहीं सकती है बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये निकाल लेती है वहां से. देखो अभी तक शादी के बाद, अब इनकी मेरी जो थी सैलरी थोड़ी पहले आई थी, इनकी जॉब आई थी मार्च में, इनकी सैलरी आई जून में, अप्रैल में इनकी सैलरी है, ठीक है. सैलरी आने के बाद उन्होंने मुझे सैलरी से कोई गिफ्ट दिया नहीं, मैंने अपनी यूट्यूब सैलरी से सैलरी दे दी थी मुझे. हाँ, और भी उसको नहीं, तेरे भाई दे दिया है मुझे. आपने कब दी अपनी सैलरी? मेरी सैलरी आती है अकाउंट में, फोन है मेरा अकाउंट में, एक लिंक है, वो तो फोन इसके पास है, और कैश है जो मैं कैश निकलवा के दूंगा. अभी मैंने इसे हम बाहर जाते खाते पीते तो देखो यही करते हैं, कुछ भी सामान घर का आता तो यही करते हैं, वो चीज तो मैं नहीं करती खाने पीने का. हम बाहर जाए कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कुछ मन है तो चलो मेरे पास चेंज आप ले जाओ, लेकिन वैसे मेरा पर्स अगर मुझे कुछ भी खरीदना है ना तो मैं अपने ही देती हूँ. बस लास्ट टाइम मैंने पहली बार जो ये पैसे शॉपिंग की थी वो थी 2 साड़ी की, जो मैं अभी रिसेंटली लेके आई थी, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी. और जो 3 सूट थे वो तो बर्थडे में दिए थे ना एज अ गिफ्ट, तो दिए तो थे ना. बर्थडे की कौन बोल रहा है, वो बर्थडे होता है बड़ों का है क्या. तो अब मुझे सब कुछ मैं और ये हम दोनों करते हैं ज्यादातर, तो अभी ये मैं पहले मैं करती थी अपने पैसों को मैं खुद करूंगी, बट अब नहीं, ना 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 ना, अब आप मुझे दो क्योंकि मैं आपका काम भी करती हूँ. और तो मांग क्या करना, तो मेरे से कुछ जरूरत है तो मांग क्या कर, छीनना मत कर. तो हम दोनों अपना पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके हस्बैंड और देवर में से किसका नेचर आपको पसंद है? आर यू सीरियस, मतलब ये कैसा. वो बेसल देवर का नहीं है, मेरा है. क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मेरा नहीं पसंद. आप लोग ये पूछ रहे हो आपके हस्बैंड और आपके देवर में से आपको किसका नेचर पसंद है. मेरे देवर दिन में 1 या 2 घंटे मेरी बात होती है, और मेरे हस्बैंड 24 में से 12 घंटे मेरे साथ रहते हैं. ये बोल रही है कि मैं दिन में 12 घंटे इसके पास रहता हूँ, तो फिर लड़ाई किस बात की है, तो मुझे ये बात नहीं जाने देती. डेली 12 घंटे, संडे को नहीं, संडे को 24 घंटे रहते हैं आपको मेरे साथ. क्या बात है, मेरा टाइम खेलना कूदना हंडना घूमना फिरना मजे के लिए कुछ तो होता है. मजे के लिए हम दोनों जाएंगे ना बाहर. अरे मजे भाई यही ले. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आई आपको शादी के बाद ससुराल में? सबसे ज्यादा दिक्कत आई 7 बजे उठने में. बता. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. खाना बनाने में. बिल्कुल. नहाने में. घर पे तो वह दो 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 तीन दिन चार चार दिन नहीं नहाना. नहीं बजे नहाना. दो दिन बजे नहाना. आपने दिन लगा दिया पीछे.
खुद है कंट्रोल, कपड़े अपने आप धोने सफाई करनी वो बिल्कुल नहीं यार पसंद थे इसको। बस ये क्या ये था, ये पड़े रहो कोयला के दिन दिखा लो फोन पड़े रहो बस। यस यही लाइफ होती है मायके में। और मेरा खुद का जो काम था मैं वो करती थी और पूरा टाइम इंस्टा और अपना यू नो जो मेरा काम दूसरा था है अभी भी वो, पर मैं वो कभी रिवील नहीं करूंगी किसी के भी साथ। तो वो मेरा काम है वो मैं करती हूँ। यूट्यूब इंस्टा से अलग है मेरा, नहीं कभी कभी कोई चीज अपनी छुपा के रखनी चाहिए, सबको वो नहीं बतानी चाहिए ठीक है। तो ये क्योंकि आपको हाफ के हर लोग देखेंगे, आप अच्छे हो आप देखोगे, कुछ बुरे लोग भी देखेंगे है ना, तो बहुत नेगेटिविटी को फैला देते हैं, इसलिए कुछ है नहीं। हाँ तो मैं वो करती थी, मेरा उसमें इतना फोकस होता था उस टाइम के, मैं मंथली अपना उससे यू नो 40 तक अर्न कर लेती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं वो छूट सा गया आप ये लगा लो, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और मेरे पास टाइम बिल्कुल टाइम की लिमिट सी हो जाती है भाई, एक हर चीज टाइम पे होती है तो बिल्कुल, क्योंकि अपना भी ब्लॉग भी हो गया तो टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे दिक्कत हुई मुझे खाना बनाने में स्टार्टिंग में, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था जल्दी उठने में। 6:30 बजे उठती हूँ तब मुझे पहले गुस्सा चढ़ता है कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मैं 8 तक नहीं सो सकती। फिर क्योंकि काम नहीं होता भाई, 8:30 के बाद काम शुरू होता है, लेकिन जल्दी उठना पड़ता है, ये चले जाते हैं। फिर मुझे आधा एक घंटा तो मैं बस ऐसी मस्ती में हूँ ना, फिर खाना, दूसरा कपड़े कपड़े नो प्रेस करने, और सबसे बड़ी दिक्कत है तो मुझे इनको संभालनी। मुझे ये बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बने ना, तो जो इनके रंग रूप और चाल डाल बदली उनको संभालने में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे। चलो मैंने घुमड़े से पतला किया किसको मोटे से पतला कराई तू, मैं तो पतले से मोटा हूँ। मैंने इनको पतले से मोटा किया, ये सब किया शादी के बाद। इन्होंने मैं तो ऐसे की ऐसी, पहले भी अब थी ऐसी थी आज भी ऐसी हूँ, मेरे में कोई भी चेंज आज तक नहीं हुआ। तो यार ये आपकी सास अच्छी बनती है वीडियो के सामने, सच में अच्छी है, आपकी सास ने आपको ये दिया, सास वॉज लाइक हेल्प। मतलब आप लोगों ने कुछ दादी सास के और मेरी सास के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, आगे से अच्छी बनती इसकी है, सास तो अच्छी है या पीछे से अच्छी यू नो सम डिफरेंस आप लोगों को बता सकती हो इस वीडियो में अपनी सास के और इनकी सास के। मेरे घर में मुझे खाना बनाना पड़ता है और अपनी सास को देना पड़ता है, तब ये जाते हैं अपनी सास के पास तो इनकी सास को पकवान बना के खिलाती है। कितनी बार वीडियो में देख लिया तुमने आज तक, आप कभी भी लेने ब्लॉग्स में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिला है मेरी मम्मी के बारे में। अगर आपने बोला मैं क्या बोला, क्या नहीं मिला आपको बताओ, नान वान नहीं खिलाया क्या लास्ट टाइम, नहीं खिलाया क्या हमेशा आप आपको पनीर नहीं बनाती क्या मम्मी मेरी, आलू दाल तो कभी नहीं खिलाई ना मैंने, तो यहाँ आलू दाल भी खाई है, बताओ अब बताओ आपकी सास मेरे साथ भी डिफरेंट। मैं वहाँ जाता हूँ 1-2-3 महीने में एक बार, तू भैया 1-2-3 महीने में एक बार आया करता है, तो सह रोने घर में हम भी खिलाएंगे सह पनीर मटर लग जाएगा आपका मन, दो दिन तो छुट्टी भी वापस जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आप पहले लोग ज्यादा खुश होते थे, अब आप इतने खुश नहीं होते, कोई बात कौन मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खुशी खुशी देखो अभी घर पे मैं खुश हूँ, बाहर जाएंगे तो मेरा ऐसा चेंज होगा ना हार्मोन की, मैं इनको बताऊंगी मैं शक्ल के दे जैसे होते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो खुशी से देखो, मेरे कभी कभी पेन होता है ऐसे कमर में ऐसे, तो मेरा फिर उस दिन ऐसे मन करता है ब्लॉग में आएगा पर तब मेरा सही मन होता है। ठीक है तूने कर दिया फिर और आप इतना खुश रहते हो हमेशा हंसते रहते हो, बट आपके घर में ऐसा कोई नहीं है चीजों के अलावा, ऐसा क्यों कैसा नहीं है खुश और हंसने वाले, मेरा नेचर ही ऐसा है जीजू के अलावा ऐसा क्यों। मेरे पापा ही बहुत हसमुख है, मेरे पापा जो जोक होते हैं ना वो ना जो हरियाणा या देसी फैमिली ना लोकल उनको समझ में आई, वो बार बार समझ में नहीं आई। लेकिन पापा को ना ले मतलब पापा को ले नहीं सकते इतना, क्योंकि यार क्या दिखाए पापा को, ऐसे बैठ जाए पापा बोलो हाँ पापा बात करो, ऐसा तो नहीं सकते ना इंटरव्यू पूरे टाइम, ऐसा तो नहीं सकते ना पापा को, तो बहुत समझ आते हैं पता नहीं क्यों पापा को, पापा बैठते हैं कभी तो भी इतना कैमरा हम ऑन नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हम,
कैमरा अंदर रहता है, पापा थोड़ा कैमरा शाही भी है, पापा से भी बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है, गुड बनाया है, लोग देख रहे हैं पापा तब गए बनाए थे, मैं डालती के लिए बट वो मैं डाल नहीं पाई, वरना वो आप लोग देख सकते थे। हस्बैंड पसंद किसका है? आपकी ससुराल में आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसकी है? मेरे साथ तो नहीं है। देखो चप्पल देना मुझे, ये अपने आप लेके ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ताकि मैं आपको ये पीट दूं, फिर आप बोलो मुझे भागती है। तो मैंने थोड़ी पूछा है। देखो ससुराल में मायके में अब हर जगह अपनी अच्छी बॉन्डिंग अपने हस्बैंड से ही होती है और हस्बैंड की वाइफ से होती है, अपना छोटा सा घर बन जाता है इन दोनों के बीच में, वहीं पे बॉन्डिंग लड़ाई झगड़ा खाना पीना सब वहाँ घर के अंदर ही होता रहता है ना। और आप क्या बोलना चाहोगे इस बात पे? नहीं होना पड़ेगा वरना फिर वो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि लड़ाई किस बात पे होती है। सच में यार आप ऐसी ऐसी बातें करोगे? आप आज आपके फोटो आज तक पर क्यों आए? चलो छोड़ो, रील बनाई थी इसलिए। अच्छा ये बताओ आपको ऐसा डर नहीं लगता था कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं हो पाएगी? पैसा वो होता है। नहीं लगता था। इसको लगता था? बहुत। मुझे नहीं लगता था कि मुझे बताना भी लग जाएगी। मुझे तो जॉब लगने के बाद ही लगता था कि पता क्या बात है, जॉब लगने से पहले नहीं डर लगता था, लगने के बाद लगने लग गया। लग गई लगते इतने रिश्ते आने लग गए गाँव में, जो भाई सरकारी मास्टर लग गया लड़का, आप भाई रिश्ता लोगे लड़की कर रही है, रिश्ता लोगे लड़की वो कर रही है, अरे मैं कैसे बताया रिश्ता ले रखे लड़की कुछ नहीं करती। और फिर लड़की ने सबको फेमस कर दिया जो कि गवर्नमेंट जॉब वाली कभी नहीं करती, वो सब मैंने किया भाई। इससे ज्यादा इस वाले गाँव से वहां तक अगले महाराष्ट्र तक लोग केरला तक लोग देख रहे हैं वीडियो ऐसे आता है, पंजाब लव फ्रॉम बिहार, तो मैंने वो किया जो इनकी अरेंज मैरिज वाली नहीं कर सकती थी, और वैसे भी लव मैरिज वाली बुरी होती बता दिया अपने मुंह से। देखो आप लव मैरिज तो आप चुप रहो एक साल तक, फिर आप बोलो अपने हस्बैंड से। हाँ पहले भी नहीं करती, ये घंटा चुप रहती है बस। और असली बात तो आप क्या है, कितना तेज हो आप, देखो कितनी तेज बन गई है, पहले तो बहुत शरीफ थे, अभी ब्लॉगिंग में आके बहुत तेज है। देखो शादी से पहले भी मुझे बहुत डर लगता था, शादी तब फिक्स हो गई थी तब भी डर लगता था कि कभी ऐसा कुछ हो ना जाए कभी, क्योंकि मेरे इतने शौक और इतने मेरे चाव बोल सकते हो, मैं इतनी शौक हर चीज का मुझे शौक था, मैं ये करूंगी वो करूंगी। इसके रिश्ते के बाद भी इसको अपने रिश्तेदारों से बहुत डर लगता था, तो मम्मी मुझे बोलती है हमेशा इतना वो मत कर, इतनी एक्साइटमेंट बहुत थी मेरे अंदर कि मैं ऐसा करूंगी वैसा, पूरे टाइम मैं बस फूड वीडियो देखती रहती फोटो, मुझे ऐसा बनवाना है वैसा बनवाना है ये सब चाहिए, तो मम्मी बोलती थी ऐसा कुछ मत कर क्योंकि अभी जब बहुत एक्साइटमेंट होती है तो कभी कुछ अनहोनी भी हो जाती है। शादी वाले दिन तक भी मुझे ऐसा था कि अगर बारात लेट आई और कुछ ऐसा गुस्से में तो लेट आई थी। हाँ तो यार देखो शादी होने तक आपको डर लगता ही है, और जॉब की इससे रिलेट आप नहीं कर सकते, जॉब मुझे पता था इनकी जॉब लग जाएगी, पर जो अंदर एक लव मैरिज का जो डर होता है वो हमेशा आप लोगों के साथ होता है। जेन्युइन में बात बताऊंगी, इन लोग इसको तो इनको तो मजाक करने के अलावा कुछ दूसरा काम है नहीं, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो चाहे आप दोनों कुछ भी बन रहे हो, लेकिन डर रहेगा ही, शादी के बाद भी आपको ऐसा रहेगा कि हमें अच्छे से रहना है कि हम अब पूरी समाज में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारा, क्या बोल सकते हैं, एक सॉरी एक वो है क्या क्या है क्या क्या बॉडी मैंने बिग बॉस से टॉक्सिक रिलेशन सॉरी यार मैं बताती हूँ, ये अभी हम समाज के लिए एक वो है एग्जांपल, अगर हमने कुछ भी ऐसा किया तो चारों तरफ ये बात होगी, देखा लाए थे ना लव मैरिज निकल गई ना ऐसी। हाँ तो ये प्रेशर आप लोगों पे लव मैरिज में हमेशा रहेगा, इंटरकास्ट मैरिज में, कि आपको अच्छा ही रहना है, आप अपनी नेगेटिव या गंदी साइड बाहर नहीं ला सकते, वरना ये ही आता है, लाया था ना सारी बात लड़की पे आ जाती है हमेशा, तो मैं चाहती नहीं मेरे फ्रेंड में कभी भी कोई बात आए, तो मैं इसके लिए चुप रह सकती हूँ बिल्कुल। रह लिया तो ये रजान इज मोस्ट खड़ूस गुस्से वाले होते हैं, हाउस ही लड़ाई होती है शादी के बाद, बट ये समझाते है ना मुझे, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है क्या ही कर सकती हूँ तो चुप ही रहो ऐसा। ये
या फिर वो पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि बात लड़ाई होती है। नहीं लड़ाई नहीं होती है। आप लोग देखना ब्लॉग में कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन मेरे हस्बैंड ब्लॉग में आए ना, या मैं इनसे बात ना करूं। अगर हम बात और ऐसा हमेशा मैंने भाई जब हाथ में डंडा ले कोई बोलेगा ना बिल्ला लेगा ब्लॉग में नहीं आना तो भाई हमने भाग दिया बच्चा। ये सब बकवास है, ये सब मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस मत लेना। तब मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे अपनी बेटी को विदाई पे कि कोई भी बात हो घर में, कोई भी झगड़ा हो तो रात को बिना बात करे नहीं सोना। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तो अगर हमारे उसमें पबजी से भी लड़ाई हुई है तो मैं ऐसे थोड़ी देर बाद नॉर्मल डाउनलोड कर ले दोनों खेल लेंगे। बट यार मेरे पास टाइम है नहीं ना पबजी खेलने का, ना मुझे उस जॉब में इंटरेस्ट है। जीजू ने हेयर कट क्यों करा लिया, अब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे 2 महीने बाद फिर लगने लग जाऊंगा। ये तो अपनी खेती है, फिर आ जाएगी। नहीं फिर पहले से आ गई है, थोड़े अच्छे लगते हैं है ना। और वैसे भी अब तो क्यूट है ही मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा। तो एक चीज है तुम्हें टैनिंग धूप से बताएंगे आपको। ये वीडियो क्वेश्चन है ना, आपको स्पेशल बुलाएंगे यहाँ पे बैठाएंगे, सारा प्रोसीजर दिखाएंगे। मैं मैं बताओ आपकी सास आपसे बहुत काम करवाती है। जॉब पर चली जाती है और आप पीछे से भी काम करते हो और आगे से भी, सुबह भी आप ही दिखते हो और शाम को भी। मेरी मम्मी को फोन पकड़ना नहीं आता ना शायद, इसलिए वो दिखा नहीं पाती अपने आप को। फिर सुबह निकलते हैं 8-9 बजे के आसपास, फिर 2-3 बजे आना होता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया, फिर शाम को मम्मी का आंगनवाड़ी का काम भी होता है और भी वगैरह बहुत काम हो जाते हैं, फिर किस वो कैसे क्या दिखाएंगे। मुझे डर लग गया यार, ऐसा मत मुझे डराओ मत, लगना भी चाहिए। आपकी सास और आपकी मम्मी में से आपको किसका ज्यादा ज्यादा पसंद है? यार सब को अपने घर वाले को पसंद आता ही है, मुझे तो पसंद है अपनी मम्मी का, इसको भी सास का ही पसंद है। मैं बात करूं ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जैसे मैं इनसे पूछूं आपको मम्मी और सास को कौन पसंद है। हाँ बताइए। दोनों ही ठीक है। सास बोला है तुमने, मैंने की दिल की बातें सुन ली। मैंने बोला ना इसकी सास बहुत देखा बहुत अच्छा। खाना बनाने पे आए तो मेरी सास, ना बनाने पे आए तो इनके सास। ना मैंने तो नहीं बोला ऐसे, ओवरऑल देखो खाना बनाने आप खुद अच्छे रहो, आप खुद अच्छे रहो, सास हो या कोई भी हो घर में कोई भी हो, अगर आपको ये लग रहा है कि बड़े आप खुश रहे अपना। हाँ ये थोड़ी टिप्स मैं ऐसे जनरली बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कभी कभी सबका नेचर, सबको गुस्सा आ सकता है, सबका नेचर चेंज हो सकता है, बट आप अपने में जितना अपने दिमाग को ठीक रखोगे ना उतना सही है। क्योंकि आपका अगर आप बहुत एक चीज में सोचोगे बार बार तो आपको बीपी हो जाएगा, ठीक है, शुगर बढ़ जाएगा, टेंशन ले लेके सोच सोच के एक ही बात को 4 दिन तक सोच सोच के, तो वो खुद के शरीर के लिए गलत है। ठीक है, कुछ भी बात हो तो जवाब मतलब मत दो और बिल्कुल कैसे कंट्रोल करके मैंने मन बोला है मुझसे कुछ और नहीं कहता। चार लोग कुछ तो बोल रहे हैं, लोग काम में बोलना, आप अपना काम करते रहो, तुम सही करोगे जब भी बोल रहे हैं, गलत करेंगे जब भी बोल रहे हैं, और आप अपना काम करो। चार लोग मारो रैप्टे, अरे बता दो कैसे भाई हमने ना सुन ली। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ऐसे गलत लग रहा है ना, तो एक टाइम पे आप चुप हो जाओ कि अब गलत सही एक तरफ रखो और अपनी रिस्पेक्ट के लिए आप चुप हो जाओ। चुप होगे भाई घर पड़ा नहीं बनता है जी। हाँ तो लड़ाई कर ले, अच्छा है मेरे से कैसे कह दी, अब बताती हूँ मैं फिर तो बाहर जाऊँ। तो ये चीज से अच्छा है कि आप चुप रहो, बेस्ट है चुप रह के इंसान को मारो।
मेरी बहन की और मेरी मम्मी की लड़ाई होती है। मेरी बहन मतलब मेरी बहन ना बहुत कम बोलती थी लड़ाई में हमेशा। मैं एक घंटे तक ऐसे ही बोलती बहुत टाइम। मेरी बहन वो चुप रहती तो मुझे गुस्सा आता कि वो चुप क्यों है। तो मैं बोलती तू चुप रहा कर, लड़ मत, तू लड़ मत, तू चुप रह, कोई बात हो तो चुप हो जा। तो वो लाइन अब मुझे फिर समझ कुछ मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसा खटपटा वाला। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती और फिर चुप, मेरा सारा मन खाली यहाँ। और फिर ये जो भी मुझे बोलते हैं वो सब ठीक है। फिर अपना दिमाग ठीक करने के लिए गेम भी नहीं खेल सकता। देखो कितना मेंटली प्रेशराइज होता हूँ मैं यहाँ पे। इतना मत करो वरना मुझे फिर प्यार को बोल दू खेल। तो ये थे हमारे कुछ चटपटे क्वेश्चन जो कि बहुत आपके पास पूछे गए हमारे फैमिली से रिलेटेड, हमारे घर से रिलेटेड। लेकिन और पूछो वैसे और तो क्वेश्चन बहुत थे। आप पापा क्या जॉब करते हैं, पापा आपके कब जाते हैं, हमें तो आपके ससुर दिन में और रात को घर में दिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आज भी दिन में और रात को घर में दिखे ना जी भी ठीक है, जो पूरे दिन घर में बैठे हैं। पापा जॉब करते हैं, और यार देखो घर में रहते। अब मैं बोलती हूँ खाना बन गया, मैं आती हूँ रूम में, पापा बाहर होते, मैं क्या दिखाऊँ पापा बाहर है, पापा टीवी देख रहे हैं। अब पापा कभी सो रहे, कभी टीवी देख रहे, कभी बाहर जा रहे, कभी कुछ कर रहे। तो पापा के साथ तो मैं आपको हर चीज को अपडेट नहीं सुना। आ गए पापा, आप जा रहे तो क्योंकि यार फैमिली को मुझे नहीं लगता मुझे बहुत कैमरे में घसीटना चाहिए। और उन लोगों की पर्सनल स्पेस है तो थोड़ा इज्जत करके पर्सनल स्पेस में रहने देना चाहिए ना। हाँ और वैसे बहुत अच्छा है, अब मैं मासी बनने वाली हूँ, आप लोगों ने मुझे बोला। बस जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे सबसे ऐसे हाथ में ऐसे उठाना है ऐसे मुझे मतलब बेबी को अबेबी। और मेरी मन से ये है कि मेरी बहन को बेटा हो। वैसे तो देखो बेटा बेटी सब है, लेकिन अगर बेटा हुआ तो मैं तो जश्न है बाहर ऐसे मजा आ जाएगा बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी। लड़की बेस्ट होती है, लड़के तो ऐसे कुछ भी देखना। मैं अपनी बहन के लिए बोल रही हूँ, फिर भी लड़की होनी चाहिए। अब इस बात पे हम बहस कर सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहला बच्चा कोई भी हो किसी को भी दिक्कत नहीं होती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट थोड़ी सी अपने लिए सेल्फिश बनते हुए लेडीज हमेशा सोचती है कि लड़का हो जाएगा तो थोड़ा अगले में थोड़ा सा सुकून रहेगा, वरना कभी दो लड़की हो तीन लड़की ये सब भी हो सकता है। तो ये सबके अपने अपने है क्योंकि हमारे आसपास ऐसी चीज हुई है कि लड़की के लिए उन्होंने एक और किया फिर एक और किया, अब तीन तीन लड़कियां चार चार है, अब वो क्या करे, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हो जाता है अलग सा। बट मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहन को अच्छा होगा तो मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। बस अब पूछ रही मत नहीं पूछ रही हो, ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि तू कितनी खुश हो जाएगी। और वो तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी, ऐसे फेस दिखाऊंगी है ना, एक दिन फेस रिवील करूंगी, फिर तो वो घर आएगी बेबी को लेकर तो मैं उसका बहुत अच्छा वेलकम करूंगी। ऐसे सब कुछ मैं वहीं रहूंगी तब वो आएगी बेबी को लेके नानी के घर में, ऐसे वेलकम यू नो बहुत बढ़िया। और मैंने आप लोग मुझे लगता है कभी कभी आप लोगों को ब्लॉग बोरिंग से लगती है, मैं जर्नल चीज बता रही हूँ। बट यार मैं बताती हूँ एक चीज की, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है जो कि ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे किसी किसी की पूरी पूरी फैमिली तो पूरी फैमिली ब्लॉगिंग में करके सारे लोग ही अलग अलग ब्लॉग बनाते हैं ना। और किसी किसी के घर में तीन बहनें हैं, तीनों ब्लॉगर हैं, इंस्टाग्राम है ये सब है। तो उन लोगों के ज्यादा आप लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि उन लोगों की वीडियो में आप तो छह सातों लोग दिखते हैं। हमारे घर में ना पीछे ऐसा बेस था ना आगे आई डोंट नो ऐसा कुछ बेस होगा या नहीं कि होगा कि मैं क्या, तो पीछे नहीं था तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जो मेरे पास होता है वो दिखाती हूँ। हमारे पास एक बहुत बैंकर कंटेंट है पर वो टाइम लगेगा उसको आने में। यार ये सच में यार अभी 24 तो आ गया, तीन चार महीने बाद। अच्छा हाँ। सितंबर साल हो जाएंगे, सितंबर अभी अगस्त तो आ गया। हाँ आ गया अभी ये रहा, हाँ। ये रहा ना आ रहा है अगस्त सितंबर चार महीने बच गए बस, फिर आ जाएगा 24 दिसंबर। दिसंबर आ गया तरेगा में, दिसंबर में हमारी आएगी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। और मैं बस पता नहीं क्या ही कर दूं, मैं क्या मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ। बोलते हैं ना मेरे सपने और मेरी एक्साइटमेंट मम्मी जो बोलती है वो खत्म नहीं होती, तो मेरी अभी से ही माँ की एक्साइटमेंट शुरू है। और मैंने बहुत कुछ ऐसा कर भी लिया है जो शायद लड़कियां अपनी शादी के 3 महीने पहले करती है, मेरा वो हर चीज हो गई है अभी से ही। लेडीज की सबसे बड़ी वही है वो हो जाए बस, ये हो जाए और ड्रेस हो जाए, फिर कोई टेंशन है नहीं। दो
बस का अपना काम बढ़ता भाड़ में जाए जनता। ओके गाइस, तो करते अपने ब्लॉग यही खत्म, करते अपना क्यू एन ए आज का यही खत्म। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग क्यू एन ए के साथ आप लोगों को। अगर आप लोगों को लग रही हो हमारी जोड़ी अच्छी तो प्लीज शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, फटाफट 70K करा दो यार प्लीज, मुझे जल्दी से 1 लाख करने हैं। और कभी कभी ब्लॉग अगर होते हैं थोड़े बोरिंग तो प्लीज लाइक करना ना भूले और हमें कमेंट भी करे जितना एक गृहिणी कर सकती है ब्लॉग के लिए। अर्धांगिनी गृहिणी बोलती हूँ मैं यार, अर्धांगिनी तो स्पेशल आपके लिए गृहिणी, घर की मैं जितना कर सकती हूँ मैं वो सब अच्छा, करती हूँ। अर्धांगिनी मेरी वो गृहिणी करेगी। अभी चलते हैं हम, गुड आफ्टरनून को कन्वर्ट नहीं करते हुए जाएंगे और खाना बनाएंगे। ये वाला ब्लॉग आप देख लेना हमने आज क्या बनाया है। तो चलिए गुड बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अरे बाय तो कर दो यार, बाय बाय।